बैठे रहते हैं, कहते हैं कि हमारे को बहुत शांति मिल गई, बहुत अच्छी शांति मिल गई, शांति मिलती ही गई। ये पहले खाते हैं, फिर उसको वापस चबा करके, जैसे गाय चबा के वापस करती है ना, वैसे यही करती है। गाय थ्री स्टोमिक है इनके, हाँ, एक पानी का स्टोक करती है, दूसरा खाना पहले खा करके स्टोक करती है, फिर दोबारा उसको चबा करके स्टोक करती है। ऐसे काम चलता है ऊँट का। एक तरफ जो है पानी का स्टोक करता है 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर, वो जो 7 दिन तक पानी नहीं मिले तो भी उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। डॉक्टर वैसे तो डॉक्टर अभी तो डॉक्टर हैं, पहले डॉक्टर नहीं थे। उसको जो है यहाँ के लोग जो हैं उसको दवाई करते थे, जैसे कि आपके ऊँट के अभी ये यहाँ पर जो लगाया तब ये यहाँ पे लगा करके इसके स्टमक खराब हो गया, टचिंग किया वहाँ पे, हाँ टचिंग किया है, बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा हो गया। ओह इसको पालने में तो खर्चा क्या होता, पालती तो अपने आप है, वो ऊँटनी पाल करके बड़ा करती है, बस इसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इसको 4 साल का होता है तब इसको पकड़ते हैं, पकड़ते हैं तब ये बहुत आदमी मिलकर के 10 आदमी 15 आदमी मिलकर उसको पकड़ते हैं, पकड़ करके इसको फिर पहले मुंह बांधते हैं, मुंह बांध करके फिर जो है उसका ये भैया है ना नाक, हाँ नाक में डालते हैं, नाक में डाल करके एक दिन तो दोनों तरफ से पैर जो बांध देते हैं, ये दोनों आगे वाले पैर है ना वो बांध देते हैं, एक दिन बंधा रहता है एक दिन, दूसरे दिन उसके जो है पैरों के अंदर जो है वो रस्सी से बांध देते हैं, फिर वो धीरे धीरे चलता है, उठता है, ऐसे ऐसे जंप लगाता है, जंप लगाते 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 2 दिन तो वो जंप लगाएगा, तीसरे दिन धीरे धीरे चलना शुरू होगा, तीसरे दिन चलना जैसे शुरू होगा उसके बाद इसका मुंह खोलेगा, मुंह खोलेगा तो मुंह इतना टाइट बंधा होता है कि इसका मुंह अगर ये हाँ सिर जो है वो इसको पता नहीं कि अब क्या है, उसको जैसे खींचते हैं वैसे चला आता पीछे पीछे, दर्द होता है, दर्द के बिना तो मानेगा नहीं ना, बिन दर्द तो कौन माने, दर्द होता है तभी तो मानता है, नहीं तो ये नहीं मानता, दर्द होता है बस धीरे 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 इसको सिखला देते हैं, उठना बैठना कैसे इसको जो है चलना है, इसको कैसे वापस पीछे लेना है आगे लेना है, सब चीज़ें जो है एक साल तक इसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, दिमाग शांत होने के बाद में फिर आदमी दूसरा जो है सवारी करता है, ऐसे पकड़ते ही सवारी नहीं होता, बहुत बदमाश होता है, जंगल में रहता है, जन्म के बाद में पूरा जंगल ही जंगल में देखा, उसने कोई आदमी नहीं देखा, तो उसको क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। माँ का दूध पिया और जंगल में माँ के साथ में चलता रहा, चलते चलते उसको जब पकड़ा तब उसको पता चला ओ ये तो क्या हो गया। जैसे बच्चा जो है स्कूल जाता ना वैसे ही ये पहले पहले स्कूल जाएगा तो वो चिल्लाएगा, बूढ़े होते हैं तो फिर पानी पी करके इसको रेस्ट देते हैं, अपने आप पानी पिलाते हैं टाइम पे और मर जाते हैं, कभी सिक हो जाता है मर जाता है, 30 साल तक जीता है, काम 25 साल तक काम लेते हैं इसको, 5 साल बाद में फिर थक जाता है बहुत, फिर इसका जो है वो छोड़ देते हैं, चलो भाई जाओ चरो और खाओ पियो आनंद करो, बुढ़ापा सबसे खराब है, बुढ़ापा है ना वो सबसे खराब है, बुढ़ापा सबसे खराब चलता है, चाहे आदमी हो चाहे
जानवर हो, बुढ़ापा सबके लिए खड़ा है। आप कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है। छोटी बड़ी? आपसे छोटी है? हाँ, मेरे से एक साल छोटी है। शादी हुई है। अच्छा, शादी होगी? बच्चा आने वाला है। ठीक। जयपुर में थे? हाँ, वो जयपुर में थे। अच्छा, जयपुर में थे। अच्छा, ओबेराय में। अच्छा अच्छा आपके पिताजी और माताजी? अच्छा, बेंगलोर में। आप उनके साथ में रहते हैं? आपने शादी किया? शादी के बाद हम तो कैलिफोर्निया में रहते थे। अच्छा, आप कैलिफोर्निया में रहते थे? 8 महीने पहले हम आ गए इंडिया। अच्छा 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 ना, बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। हमारी 5 साल की एनिवर्सरी थी वहाँ के, वहाँ रहने की? नहीं, शादी की। अच्छा, आप शादी की? ठीक है, तो बहुत बढ़िया किया था, धन्यवाद। हमारा राजस्थान जो रेगिस्तान देखा, रेगिस्तान तो देखा, होटल कैलिफोर्निया में, उधर कैलिफोर्निया में रहते तो कहाँ देखने को मिलता। यहाँ की शांति अलग है। होटल कैलिफोर्निया आते ना, होटल कैलिफोर्निया सच लवली प्लेस, सच लवली प्लेस। ये गाना तो खूब आते हैं साहब, होटल कैलिफोर्निया बहुत आते हैं। कंट्री रोड टेक मी होम टू द प्ले, वेस्ट जूनिया टू द मम्मा टेक मी होम कंट्री रोड। कई आते हैं साहब, याद हो जाता है। हाँ, ये क्या है कि फिल्मों के बारे में मेरे को कम नॉलेज है। अच्छा। हम जो है फिल्म तो हमारे को देखने को नहीं मिलता है। हाँ। हमने कभी टीवी नहीं देखा, हमने सिर्फ ना तो रेडियो देखा, मतलब बजाया ही नहीं। सिर्फ हमारा तो टूर ये रहा इसमें। हाँ, हमारे तो गेस्टों के साथ में गाना जो होता है ना, वो गाते हैं, वो गाते हैं, हम भी गाते हैं। हाँ, गाना बजाना हमेशा होता है। हाँ, डांस भी करते हैं। आपका फेवरेट गाना गाइए। मेरा फेवरेट गाना अभी याद करता हूँ, दिमाग में आ जाता है तो कई आ जाते हैं गीत। क्या शोभ रे बंधा क्या शोभ, मती कहरू नींदरा तेरो जीवड़ो सवाली, थोड़े रे जीवन सारू क्या शोभ। क्या शोभ रे बंधा क्या शोभ, मती कहरू नींद रातिरु जीवड़ो सवाली, थोड़े रे जीवन सारू क्यों सोवे। अंब न सारी खा अंब रस मिलिया, भांग धतूरा हो क्यों पिए, क्यों पिए रे बंधा क्यों पिए, मत कहरू नींदरा तेरु जीवड़ो सवाली, थोड़े रे जीवन सारू क्यों सोवे।
ये है मेरा फेवरेट गीत। हाँ हाँ, क्या ये जिंदगी बहुत छोटी जिंदगी है, इसमें साधु सॉन्ग है। साधु कहते हैं कि भाई आपको सोना नहीं है, भगवान का नाम लो, सोने से कुछ नहीं है। भगवान वेश करके फिर आप जो है भगवान का नाम नहीं लो, ये अच्छा नहीं है। और दूसरा जो आप काम करते रहो और गरीब लोग जो हैं उनकी जो है हेल्प करो, उनकी सहायता करो। और ये ज़िंदगी बहुत छोटी ज़िंदगी है, पैसा मत इंक्लूड करो, मतलब पैसा करके क्या करोगे, ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी छोटी है। इसलिए आपको जो है हमेशा सोना काम और लोगों की सेवा करना और भगवान का नाम लेना, ये है इस गीत का मकसद। नहीं, हम मारवाड़ी में बोलते हैं। जी जी, हाँ, गाने के हिसाब से जीते हैं और क्या है, जितना होता है उतना सफिशेंट है। सब भगवान करे सबकी, और टाइम बाद खाना दे और सब चीज़ें ऐसे चलता है। आए, आने वाला आए अपने घर पे, वो चाय पानी पी जाए, इतना पैसा होना चाहिए। ज़्यादा पैसा होगा तो क्या करेगा, नाच गाना करेगा और क्या करेगा। हम हमारे इधर लोकल देवता हैं मालन देवी, उसकी पूजा ज़्यादा करते हैं। यहाँ शक्ति है, शक्ति का जन्म जो है हमारे फैमिली में हुआ है, आज से 500 साल पहले। हाँ, एक शक्ति मतलब एक लड़की का जन्म हुआ। बरना गांव जो है, जो बसा है वो उसका मतलब लैंड उसकी है, मतलब पूरी ज़मीन उसकी है। हाँ, उसके नाम की है। चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं, उधर एक इधर मंदिर बना हुआ है। हाँ, उसको हम बोलते हैं मादन देवी, मादन देवी। ये आपने रास्ता इधर देखा नहीं, इधर एक रास्ते के अंदर भी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। हम उसकी सेवा करते हैं और वो हमारे वंशज में निकली है। उसकी हम हमेशा सेवा करते हैं, उसका हमेशा उठते बैठते नाम लेते हैं। ओम बना मानते हैं हम उसको, परंतु हमारा उधर ज़्यादा उसका वर्चस्व नहीं है। ओम बना ज़्यादा जोधपुर में है। इसका हर गांव के अंदर हर अलग अलग देवी देवताओं का है, हर गांव के अंदर अलग अलग है। नाम तो अब सभी का लेना है, राम का लेना है, कृष्ण का लेना है और शिव जी का लेना है, सब चीज़ों का लेना है, परंतु ये जो लोकल है, ये सब लोकल है, इनका नाम हम सबसे पहले लेते हैं। ऐसे तो अब राम जब माला नो प्रॉब्लम माला फेरते ना, तब सभी का नाम लेते हैं, सब देवी देवताओं को नमस्कार है। हम सबसे ज़्यादा जो है देवी देवताओं को मानते हैं, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। थार का डेजर्ट है, अभी नाम इसका चेंज है, DNP डेजर्ट नेशनल पार्क। आपने देखा नहीं इधर कैंपिंग, बीच के अंदर आया होगा रास्ते में, उसमें गोडाउन बहुत है, गोडाउन तिल्लोर, दूसरे कहीं जगह पे ऐसा नहीं। ये जानवर अभी अपने राष्ट्रीय पक्षी यही है, गोडाउन जिसे गोडाउन कहते हैं। ये 3660 किलोमीटर में बना हुआ है, इतना लंबा है। 84 गांव आते हैं इसमें, 84 इसमें 84 गांव आते हैं, और गांव भी खाली नहीं कराते हैं। हिरण और गोडावन तिलोर इनकी जो है संरक्षण ज़्यादा है, फॉक्स कोई तरीके का शिकार नहीं होता है, प्रोटेक्टेड एरिया है, बहुत शांतिवाद एरिया, प्रोटेक्टेड है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये गांव आ गए, गांव जी,
हाँ मेरा गांव, मेरा गांव, मेरा देश। हाँ हाँ घर दिखेगा, घर जाएंगे, चाय पियेंगे। आपके घर में? हाँ थोड़ा पीछे रहेगा, बैलेंस बैलेंस पीछे रहेगा। ओके धन्यवाद। या बस हो गया, हो गया भाई, हो गया। थैंक यू कालू। हाँ और इनके नीचे क्या वो? ये तपा निशानी है, तपा के इधर देते हैं, ये मेरा है, ताकि ताकि पहचान सके कि भाई ये ऊँट मेरा। दोनों एक शिकल के मिल जाए तो फिर कहाँ से उसको पकड़ना। ट्रेनिंग के वक्त लगा? हाँ ये ट्रेनिंग के वक्त लगा दे। लेकिन उसको तो बहुत लगी, इसको ये पहल किया, कट गया था, टूट गया था। ये लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का टूट गया था। टूटने के बाद में दोबारा इसका वेज किया ना तो उसमें थोड़ा सा, हाँ आराम से, आराम से कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से छू सकते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। सब जो छू सकते हैं उसको, उसको आप पकड़ सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। अभी आप खींचोगे? अच्छा आप इसको पकड़ो। कहाँ से? यहाँ से इसको पकड़ के इसको साथ कर लो इसे। अब मेरे साथ आगे चले आओ, चलते आओ, चलते आओ। गुस्सा भी आता है? गुस्सा तो अभी सीजन का टाइम है, सीजन का टाइम है। अच्छा। अभी ब्रीडिंग सीजन का टाइम है तो ये दूसरी कोई बाहर से वाइल्ड कैमल फीमेल देखता है तो अच्छा। अटैक करेगा, अटैक करेगा। अभी अच्छा आप मानोगे कि भाई ऊँट ऐसा है जिसका जो सीजन 4 महीने का है, 4 महीने के बाद में जो है ये किसी का ऊँटनी के नज़दीक नहीं जाएगा, 8 महीने तक नेवर माइंड। अच्छा। तो 4 महीने का सीजन, 4 महीने का सीजन, अभी सीजन स्टार्ट है, अभी शुरू हो गया, अभी शुरू हो गया। किसको? ऊँट को छोड़ते तो हैं पर तो उसको जो है ध्यान से छोड़ना पड़ता है, कोई किसी वाइल्ड कैमल कोई साथ में नहीं होता है। वाइल्ड कैमल साथ में होगा तो जंपिंग लगा के चला जाएगा। जान पहचान वाला कैमल होना चाहिए। जान पहचान वाला कैमल तो हो, जान पहचान से मतलब नहीं, वो किसी भी फीमेल मिलनी चाहिए उसको। अब ये ऊँट है, इसको दूसरी कोई फीमेल मिल जाए तो उसके साथ जंप करके चला जाएगा, और दूसरा ऊँट आ जाएगा, दूसरा अटैक हो जाएगा, आप अटैक हो जाएगा, ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा अटैक हो जाएगा। हाँ महिंद्रा तो हीरो, उसका पीछे मुमला, मुमला है ना, उसके उसके हीरो, उसकी हीरोइन साथ में है अभी। हाँ कालू अभी तक तो है इतना माइंड नहीं, अभी अभी छोटा बच्चा, 1 साल बाद में वो, अब वो हाँ वो हमारे मेरे भाई साहब के पास में 2 ऊँट हैं, वो ऊँट बंधा हुआ है, अभी देखेगा बिल 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 करेगा, बिलबिलाट करेगा, बिलबिलाट वो ऊँटनी को देख के, वो अभी बंधा हुआ है, वो इसको देखेगा बिलबिलाट करेगा, बिल 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 बिल। हम देखो वो काटेगा भी, वो सब चीज़ें करेगा, सारा बंधा हुआ है अभी। श्री राम तेरा राम, अब देखना उसको, देखते रहना उसको, देखते ही अभी करेगा। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इधर लाके बांधो। महेंद्र प्लीज कम, खींचे आओ, खींचे आओ, खींचे आओ,
अब खींच खींच के आओ, खींच के आओ, चलता आएगा। He's the alpha male apparently. Oh, yeah. तेरा टाइम भी आएगा? हाँ आता रहेगा, टाइम तो सबका आता रहेगा जाता रहेगा। भाई साहब हमारा आ गया है, आओ साहब आओ। हाथ से बिछा, हाथ से बिछाओ, मैं बिछाऊंगा बाद में, मैं और मैं। ये मेरी लड़की है। और ये आपका पोता है? ये मेरी दोईती है, इसका नाम गुलाब है, गुलाब इसका नाम गुलाब है, गुलाब। चाय करो, चाय 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 बनाओ, चाय बनाओ, चाय चाय बनाओ। गुलाब मेरे पास माँ बोल सा चाय बनाओ। हाँ मैया गुनिया से मोरी गुड़िया से अरे गुड़किया रे गुड़किया। एक साल एक दिन एक दिन क्या गुड़ गुड़ा गुड़की नोने कुड़ा आशे नोने बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। गुलाब गुलाब बैठ 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 आइए बैठी क्या साहब हाँ बैठो शी 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 यू नो ही शी शी अच्छा बेटा मन बिठाता हूँ ना ना मैं तो बातों कर बिठा हूँ गुलाब ला गुलाब हम्म ला गुलाब ए जो ओ गुलाब गुल्लू एक ही है अभी भाई साहब आप भी देखिए धन्यवाद आप देख रहे हैं तो गुलाब नहीं देख रहे हैं गुलाब गुलाब बोलर बोलर गुलाब बिस्कुट ली से थैंक यू धन्यवाद ना को कूटे को कूटे हाँ खा हाँ खा ये ले बिस्कुट है मम्मी दिया मम्मी मम्मी को लेके आओ मम्मी को देखे आओ धन्यवाद मम्मी को देखे आओ मम्मी को देखे आओ मम्मी को देखे आओ गुलू तो आपके बेटे का मेरी लड़की की लड़की की लड़की है लड़की की लड़की है ला गुलू हाँ बोल गया उनकी ना बीजो को खा तुम खा तुम खा आपको ज़्यादा पुराना नहीं है अच्छा। चार पाँच साल पाँच सात साल ये पुराना मैं क्या है कि हमारे घर में मेरे माता जी है पिताजी नहीं है मेरे माता जी यहाँ छोटे भाई साहब के साथ रहे हमारा जन्म ये अलग मेरा घर है और मेरे छोटे भाई साहब का हम जो हमारा जन्म जो हुआ है वो इसके पास वाला है अच्छा। और ये सामने वाला मेरे बड़े भाई का और एक मेरे हम चार भाई हैं एक बहन है बहन की शादी किया हुआ यहाँ से 50-60 किलोमीटर बहन वहाँ पे और मेरे भाई चार चारों भाई हैं यहाँ मैंने चारों की शादी किया हुआ है चारों के बाल बच्चे हैं चारों अलग अलग रहते हैं माता जी जो है छोटे भाई के साथ माता जी छोटे भाई साहब के पास रहती है वो 85 ईयर्स ओल्ड है
हमारे गांव में 50 घर की बस्ती है, पॉपुलेशन समझेंगे 200-250 घर काफ़ी दूर दूर है। हाँ मतलब दूर दूर तो नहीं है, पास पास का 20-25 फुट कोई 100 फुट। अब क्या है, पहले घरों को जो है नज़दीक में रखते थे, अब लोग जो है अपने हिसाब से एक घर दूसरी दूरी से बनाता है, क्योंकि ज़मीन फ्री है, कोई तरीके तकलीफ नहीं है। ये गांव की लैंड है ना, रेवेन्यू लैंड जो हुई है, उसमें कहीं भी आप मकान बना कर सकते हैं। अब वो जितने भी जब देखता है कि मेरे लड़के के भाई यहाँ पर बनाऊँगा, इसलिए वो थोड़ा हजूर बनाता है, मेरे लड़के की बनाऊँगा, पोते की बनाऊँगा, फिर ये सब हिसाब। लेकिन बाहर के लोग अभी आ नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, बाहर के नहीं, लैंड के लिए नहीं। बाहर के अभी ये जो आप रिसोर्ट देख रहे थे ना, ये रिसोर्ट एक बाहर के लोगों ने खरीदी है। बरना में एक रिसोर्ट है? हाँ, बरना में एक रिसोर्ट, मतलब देखा ना आपने, देखा ना, ध्यान देगा वो क्या आएगा, वो ऑलरेडी पैसे वाले थे, उन्होंने कैसे पैसा समझ में नहीं आया। वो आप गाना बजाना करते हैं, वो उसके खुद के फ्लैट, उसके पिताजी के नाम की जमीन थी, तो चार भाई थे, वो चार भाइयों में एक विदेश जाता है, वो विदेश में अच्छा उसने पैसा कमाया, नाम गाजी है, वो खुड़ताल बजाता है, एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो हाँ टक टक शोर आता है, वो बहुत अच्छी बनाता है, वो पूरी वर्ल्ड के अंदर जाता है, मतलब उसका प्रोग्राम बाहर ही रहता है। उसने अच्छा पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, परंतु उसने उसके भाई ने उसकी जमीन पे जमीन थी उसने नहीं बनाया, तो दूसरी बाहर की गुजरात की कंपनी को उसने बनाया, गुजरात की कंपनी की उसने बनाया। हाँ हाँ ना कौन है यहाँ पर? हाँ कह लो गए हैं घर जाए तो लीजा बते थे पीरन दी घर घर जा लीजा की करी मैं रवाना चाय पी रवाना तो सामान जो ध्यान रखे तो आज छोरी घर सामान पे जाऊं नहीं हाँ इतने रोक बैठ रहे सामान जो कोई देगा चार गाड़े हम भारी पड़ी है कहूँ छोरी टुकड़ा घना जो वो तेंगे मर दे बजा है हाँ उठे रोक ये भी आपके पोते हैं? ये मेरे पोते नहीं है, ये मेरे भाई की लड़की है, छोटे भाई की लड़की है। ये बड़ी बड़ी लड़की है, ये मेरा जो है आपने बड़े भाई के लड़का है, शैतान सिंह नाम करके। शैतान सिंह? हाँ। तो स्कूल यहीं पे जाते हैं? ये स्कूल यहीं पे। कौन से क्लास में है? पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। ओ ओले ओले जे गिंगी ओले ओले ओ गिरे ओले ओले बात करती है गुलाम, बात करती कि दौड़ती हुई चलती है, परंतु आज इसको कुछ दूसरों को देख रही है ना, इसलिए जो है ये घूमती नहीं है, नहीं तो दौड़ती जाएगी। वाह ओ भाई आगे। आँखा 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 खा खा ना बहन कौन हो जा ये आ रहे हो इधर ये सारी तुम ही आ रही बड़ी आ रही हमें तो हेलो कर दी परी जाए आ तुम आ रही बस की ये मेरे बड़े भाई की दो लड़के हैं तीन लड़के हैं बड़े भाई के लड़के हैं ये है ना ये लड़के हैं ये वो भी यहाँ पे नहीं बाहर जापान है कहाँ पे जापान है वो वहाँ पे रिसोर्ट का काम करता है विदेश में विदेश में तो गए वो 1.5 साल हो गए तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं नहीं नहीं वो बजाता नहीं वो रिसोर्ट में ये खाना बनाने का काम करता है आप मैं जो है वो बजाता हूँ वो वाला मेरे से नहीं बजता मैं दूसरी वो खड़ताल वो खड़ताल उतनी मैं नहीं बजा सकता मैं सिर्फ दूसरा ही इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ यहाँ पे जाती हूँ बस की